वर सच में सच झूठ की पड़ताल के साथ हम आपको कुछ अनोखी कहानियां भी दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही होती हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक शख्स से मिलवाएंगे जिनकी कहानी और जिनकी जिंदगी सबसे अलग है। ये एक ऐसे कारीगर की कहानी है जो बिना हाथ के हैं लेकिन असली बाजीगर हैं। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एक छोटा सा गांव है बनगांव। बनगांव में एक शख्स बहुत ही लोकप्रिय है और उसका नाम है मदनलाल। गांव का हर एक शख्स मदनलाल को पहचानता है और गांव वालों की मदद से ही हम गांव में बने एक छोटे से घर के सामने खड़े थे। बाहर हरे रंग की दीवार पर लिखा था मदनलाल टेलर की दुकान। आपको लग रहा होगा इसमें अजूबा क्या है, घुमा फिरा कर हम आपको एक गाँव की दर्जी की दुकान पर ही तो ले आए हैं। लेकिन जरा दुकान के अंदर जाने तक का सब्र रखिए। एक शख्स पैरों के सहारे सुई में धागा डालते दिखता है, ये है मदनलाल। और हम आज इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं शायद आपको ये भी समझ आ गया होगा। मदनलाल के हाथ नहीं है इसलिए उन्होंने अपने पैरों को ही हाथ बना लिया है। मदनलाल दर्जी का काम करते हैं और देखिए कैसे अपने पैरों की मदद से कपड़े सिलकर तैयार कर देते हैं। कपड़े का नाप लेने से लेकर काटने तक सारे काम मदनलाल अपने पैरों से ही करते हैं। जिस तरीके से उनके पैर का अंगूठा कैंची पकड़कर चला रहा है देखने लायक है। सिलाई मशीन में रील डालकर मशीन को उतनी ही तेजी से चलाते हैं जितनी की कोई दर्जी चलाता हो। लेकिन हमें ताज्जुब तब हुआ जब मदनलाल अपने पैरों की मदद से कपड़े सिलवाने आए एक बच्चे का नाप लेने लगे। हमने मदनलाल से पूछा कि उनके दर्जी बनने का सफर कितना चुनौती भरा था। शुरू में लोग जब कतराते थे, जिस टाइम मैं सीखा था भाई कभी हाथ नहीं है तो कभी ये खराब नहीं ना करते, तो उसके बाद में आस्ता आस्ता सभी को पता चल गया वास्तव में ये टेलर है। तो अब मैं तो काफ़ी लोग मेरे को बहुत ज़्यादा पहचान हो रही है और कुछ पाँच सात में गाँव में बच्चे सिखा भी दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। अब कम से कम मेरी उम्र हो गई 45 की बजाय 47 हो रही थी, तो अब कुछ और कहूँगी पहली बात रोशनी कम हो गई। और पहले तो मैं 3 सूट सिल लेता था, एक सूट भी मुश्किल से बनते थे। उम्र बढ़ने के साथ साथ मदनलाल की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं, लेकिन वो किसी पर बोझ नहीं है। दुकान हो या घर, मदनलाल अपना सारा काम खुद ही करते हैं। इसी बीच मन में एक सवाल आया कि आखिर मदनलाल जी के हाथ कब से नहीं है। मेरे दोनों हाथ ये बचपन से नहीं है, जो कि परमात्मा ने दिए नहीं। एक खाना बनाना है, अपनी दाढ़ी बनानी है, रोटी बनानी है और कंघी करनी है, नहाना है धोना है, सभी काम जी कर लेता हूँ। मदनलाल की बातों पर यकीन कर पाना मुश्किल था कि भला कैसे बिना हाथ के कोई सारे काम कर लेता होगा। दुकान बंद करने के बाद अपनी आंखों को यकीन दिलाने के लिए हम मदनलाल के साथ ही उनके घर चल पड़े। घर पहुंचकर मदनलाल ने पैरों के सहारे ही मटके से पानी निकाला और सर झुकाकर गिलास से पानी पीने लगे। मदनलाल अपने पैरों से रोटी भी बना लेते हैं, देखिए कैसे आटा गूंथकर लोई बना रहे हैं। और फिर गोल गोल रोटियां बेलकर उसे तवे पर पकाने लगते हैं। ये रोटियां इतनी गोल हैं कि अच्छे अच्छे रश्क खाने लगे। खाना बनने के बाद पैर से ही रोटी तोड़कर खाते भी हैं। कपड़े पहनने से लेकर कंघी करने तक मदनलाल को किसी की भी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। दाढ़ी बनाने के लिए रेजर में ब्लेड लगाने तक का बारीक काम भी मदनलाल खुद ही कर लेते हैं। अपने साथ साथ मदनलाल अपने परिवार वालों का भी ख्याल रखते हैं। मदनलाल हिम्मत और जज्बे की मिसाल हैं। मदनलाल ये साबित करते हैं कि चाहो तो कोई भी कमी आपको रोक नहीं सकती। परमात्मा ने जैसे भेज दिया तो कुछ तो रहना ही पड़ेगा, कोई लत है नहीं। जब मेरे हाथ होते हैं तो मैं पता नहीं क्यों क्या कर लेता, लेकिन फिर भी मेरी तमन्ना थी कुछ करने की। एबीपी न्यूज मदनलाल की जिंदगी जीने के जज्बे को सलाम करता है। ये है
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।